चुनाव के डेट जिस तरीके से नजदीक आ रही है वैसे जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें बढ़ रही है, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि पुरानी हुकूमत के प्रतिनिधियों ने क्या क्या किया और जनप्रतिनिधियों के काम किस तरीके से लोगों के जहन में है भी या नहीं, या क्या काम हुए हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिवाल खास विधानसभा सीट के हर्रा कस्बे में। काफ़ी बड़ा कस्बा है, मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में सीट पर दो कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से गुलाम मोहम्मद जो गठबंधन के हैं मुस्लिम हैं, और बहुजन समाज पार्टी से नन्हे प्रधान, दो कैंडिडेट हैं, दोनों ही मुस्लिम हैं। कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन इससे पहले जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ के जो हालात हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के हालात दिखाएं किस तरीके के यहाँ हालात हैं। जो सड़कें हैं उनके ठीक बराबर में सर्विस रोड नहीं बनी है, और सर्विस रोड ना बनने के चलते जो समस्याएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, लोगों को निकलने पड़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और ये मेन माना जाता है बड़ौद को जोड़ने वाला लिंक मार हाईवे है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बार क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं जहन में, किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं। भाई जी, जो गुलाम साहब हैं हमारे यहाँ पहले विधायक रह चुके, उन्होंने हमारे यहाँ जो भी काम करे पार्टी बेस पर करें तो उनको तो वोट जाने की नहीं है। हम वोट करेंगे नन्हे प्रधान को, अपने भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छी छवि के आदमी हैं, नन्हे प्रधान को वोट जाए। अच्छा, वोट क्या सोचा है? गुलाम मोहम्मद तो पहले रहे, वर्तमान में यहाँ जितेंद्र सतवाई हैं, सतवाई गांव के इसी इलाके के पड़ते हैं, वो रहे, वो दिखाई नहीं दिए इधर क्या? वो तो जी जानते ही ना, जब उन्हें देखे ही ना किसी ने, तो उनका तो चेहरा ही ना जानता कोई। अच्छा, ये देखा जा रहा है जो काम नहीं हुए उसको लेकर लोगों में रोष है, क्या नाम है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? तो सोच के तो वोट ये कर रहे कि विकास हो और जितने भी सारा अच्छे ही काम हो। अब जो सतवाई जी थे वे तो एक्चुअली वोट लेने के लिए आ गए, अब तक यहाँ कोई चेहरा भी नहीं देखा किसी ने, उनके घूमने भी नहीं आए, वो तो हम तो मुस्लिम हो गए, मुस्लिम ने वो हिंदुओं में भी नहीं आई किसी में भी, और बिरादरी में किसी में आए नहीं, वोटों का हर नाम कहते हैं, शायद उनका टिकट इसने काटा गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप युवा पीढ़ी है, मेरे पास कुछ युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही है कि जो अब माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है 120,000 मुस्लिम वोटर हैं, दो कैंडिडेट हैं, कैसे सीट को निकाल पाएंगे? सब कुछ साफ है, जनता जागरूक है, और जनता भी इस बार चाहती है कि हमें प्रोफेशनल विधायक नहीं चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ विधायक चाहिए जो हमारे काम कर सके, हमारी परेशानियों को परेशानी समझे, हमारे साथ मिलजुल के खड़ा हो। तो जनता को साफ दिख रहा है कि किसे इस बार चुनना है, किसे विधायक बनाना है। 2017 के अगर मैं आंकड़े रखूं तो ये जो विधानसभा है सिवाल खास वाली, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लगभग 1,16,000 मुस्लिम मतदाता हैं इसमें, और लगभग जो है 56,000-57,000 जो है दलित मतदाता हैं। तो 2017 में अगर मुसलमान एक होकर नदीम चौहान को वोट दे देते, लगभग 30-35,000 वोट की ज़रूरत थी, तो नदीम चौहान लगभग 75-80,000 से विधायक बन जाते। तो लोग जाग गए हैं, लोग 2017 को फिर से दोहराना नहीं चाहते। लोगों का मानना है अगर एक इस बार हम दलित समाज और मुस्लिम समाज मिल के बसपा को वोट कर दे तो इस बार सिवाल खास विधानसभा में बसपा का विधायक होना तय है। समीकरण से कुछ होने का तो नहीं, जो सरकार बनाने के स्थिति हैं वो अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ चक्कर में हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की बात करें, उनकी भाभी तो भाजपा में चली गई। भाभी से कुछ नहीं होने का, वो तो पूछाई गई है। नहीं जी, इस चीज के लिए पूछाई गई, कुछ आशीर्वाद लेकर के, मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेकर के भाजपा में चली गई है, भले ही चिल्लाते रहे। वो कुछ लेने के लिए गई है जी, वो कुछ लेके नहीं आएंगी। क्या लेके आएंगी? बस कुछ लेके आएंगी। नहीं, आपको पता है सियासत है जी, ये सियासत को कोई नहीं बता सकता। सियासत के समीकरण भी तो होते हैं। नहीं, समीकरण तो यही है, इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, गठबंधन की सरकार बन रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। जिस पर अपनी बहू नहीं रुकी वो क्या सरकार बनाएंगे। और रही गठबंधन की बात, जाट कौन कर रहा है? जाट समाज जो है सपोर्ट कर रहा है गठबंधन को। आप सिवाल खास विधानसभा की बात ले लीजिए, आपकी सिवाल खास विधानसभा में जितने भी जाट है सब में रोष है, जो पहले ही रंड हुए हो, सब गुस्से में है, सब नाराज है। जो गुस्से में क्यों है? गलत नहीं भाई, गुस्से में होना उनका जायज है। सुनील रोडा जी है, राजकुमार सांगवान जी है, जो प्रत्याशी थे जिनके मन में था, राजकुमार सांगवान जी ने शादी नहीं करी, उनका कहना ये था जिस दिन मुझे सिवाल खास विधानसभा से टिकट मिल जाएगा मैं शादी कर लूंगा।
क्या आपको लगता है जो जाट भाई है जो साइलेंट है और जो विरोध कर रहे हैं उससे नुकसान होगा गठबंधन को? नहीं होगा जी, पूरी वोट देंगे। उनका कहना है कि गठबंधन को अगर उनकी 65,000 वोट, अगर पूरी वोट मिल जाती तो जयंत चौधरी सांसद होते इस क्षेत्र से? नहीं, वो तो अलग अलग मुद्दे पे चुनाव होता, वो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होता, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम नहीं, अब हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कैसे नहीं हो रहा है? अब क्या तो किसान और मजदूर का चुनाव है। किसान मजदूर कौन है? आंदोलन पे। किसान मजदूर कौन है? किसान मजदूर तो जी मुस्लिम और जाति तो हो गए। हाँ जी, किसान मजदूर। देखिए आप कितने ही कह लीजिए लेकिन जातिगत समीकरण बनते हैं। केराना पड़ोसी हमारा जिला है जी, जी, जी। शामली वहाँ पर खुद गृह मंत्री पहुँचे, क्यों पहुँचे भाई? इसलिए पहुंचे कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए बस। तो हम तो वही कह रहे हैं, होने का तो हिंदू मुस्लिम होगा नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है, सबको दिख रहा है, सब साफ नजर आ रहे हैं, सारा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे तो टिका हुआ है। अगर हिंदू मुस्लिम हुआ तो किसको फायदा होगा? तो मेरे भाई बहन कुमारी मायावती भी नहीं रोकने की हिंदू मुस्लिम को, तो हिंदू मुस्लिम को तो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उनके पास 40% जो क्षेत्र में विधानसभा में दलित है वो कैसे रुकेंगे? नहीं, हमारे पास भी तो यहाँ 1.5 लाख वोट है, केवल बसपा ही जीत रहा है। तमाम पार्टियां सपा भाजपा MIM तमाम पार्टी आप देख लीजिए, केवल बसपा एक ऐसी पार्टी है जो अपना वोट बैंक लेके चलती है और जिसका वोट बैंक पूरी तरह से रिजर्व है। और बसपा का प्रत्याशी को पता है कि तू अपनी जो 40,000-50,000 वोट है गुल्लक में रख के चल रहा है, तेरी जो गिनती होनी है उस रिजर्वेशन के ऊपर से होनी है, बाकी तमाम प्रत्याशी को जीरो से लेकर के गिनती करानी होती है। ये बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उनके साथ ये फैक्टर है। हर विधानसभा सीट पर उनके ऐसे वोटर्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं और उसी के चलते समीकरण बिगड़ते हैं और विधायक बनते हैं। हालांकि इस सीट का अगर इतिहास बनाऊं, जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, यहां पर पूर्व में 2017 में जो चुनाव हुआ यहां पर लोक दल से भी कैंडिडेट उतरा, भाजपा से उतरा, सपा बसपा से उतरा, लेकिन हैरत की बात है सपा बसपा ने दोनों मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और दोनों में क्लैश हो गया, दोनों हार गए। भाजपा के जितेंद्र सतवाई जीत गए, लेकिन इस बार भाजपा के जितेंद्र सतवाई जो कि MLA थे उनका टिकट काट दिया गया है और उसमें भी पूरा विरोध हो रहा है, जो जिनका टिकट हुआ है यहां पर उनका पूरा विरोध है। ऐसे में जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनका भी कुछ विरोध देखने को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े हैं कि उनके पास प्लस में वोट है, तो तीनों की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जिस जब गुल्लकें खुलेंगी और जब रिजल्ट आएगा उसमें क्या कुछ निकलेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।